शिव पूजा करने वाले भक्तों को भोगने पड़ते हैं ये श्राप। समस्त विश्व में भगवान भोलेनाथ को पूजा जाता है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पूरे विश्व में किसी भगवान की प्रतिमा आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपको शिवलिंग सभी जगह मिलेगा। क्या आपको पता है कि अगर आप भगवान शिव के परम भक्त हैं तो आपको इस श्राप को भोगना पड़ेगा। आखिर क्यों होता है ऐसा? अगर आप इस बात से परिचित नहीं हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने भी राजा दक्ष और शिव जी के बीच में हुए युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें भगवान शिव ने राजा दक्ष का सिर काट दिया था और बाद में उनका धड़ बकरे के सिर से जोड़ा गया था। लेकिन इस यज्ञ से पहले भी एक यज्ञ हुआ था, जब राजा दक्ष ने विश्व के कल्याण के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में भगवान शिव और देवी सती भी सम्मिलित हुए थे। वहां आए सभी देवताओं ने राजा दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन शिवजी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव के प्रणाम ना करने से राजा दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि उन्हें संसार में होने वाले किसी भी यज्ञ का कोई भाग नहीं मिलेगा। जब नंदी ने यह सुना तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने राजा दक्ष को बकरे के समान शरीर हो जाने का श्राप दे दिया। इसी के चलते उन्होंने वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को भी श्राप दिया कि सभी ब्राह्मण वृद्ध होते ही अपना समस्त ज्ञान भूल जाएंगे और शेष जीवन दरिद्रता में ही बिताएंगे। अब भला ब्राह्मण ये सुनकर कहां शांत बैठने वाले थे। ये सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि भी क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी शिव भक्तों को श्राप दे दिया कि जो कोई भी शिव भक्त जो भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करेगा और शिव के नाम का व्रत रखेगा तथा यज्ञ पूजन करेगा, वो भक्त सभी वेद शास्त्रों से विपरीत चलेंगे, कभी वेदों का पालन नहीं करेंगे और जटा धारण कर शरीर में भस्म मलकर शिव के साधक बनेंगे। भृगु ऋषि ने आगे कहा, शिव भक्त मदिरा का सेवन करेंगे, जानवर का मांस के साथ साथ मुर्दों को भी खाने वाले होंगे और उनका निवास स्थान शमशान होगा, इनका घर शमशान होगा। इसी कारण आप लोगों ने देखा होगा कि शिव के साधक अघोरियों का निवास स्थान शमशान होता है और वो मुर्दे भी खा जाते हैं, तथा नागा साधुओं या सामान्य साधु जो शिव की आराधना करते हैं वो जटा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।